उधर नगर निगम के दायरे में आ रहे गांव में तोड़फोड़ के विरोध में आज दर्जनों गांवों ने जिला उपायुक्त ऑफिस का घेराव कर धरना दिया और जिला उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। गुरुग्राम और मानेसर में नगर निगम की तरफ से लगातार तोड़फोड़ की जा रही है और इसी के विरोध में आज नगर निगम मानेसर और नगर निगम गुरुग्राम के दायरे में आने वाले गांव के लोगों ने पंचायत कर एक दिन के लिए जिला उपायुक्त के ऑफिस के बाहर धरना दिया। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी गलत तरीके से उनके मकानों को तोड़ रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। देखिए, पिछले कई दिनों से 20-21 दिन से तो कन्हई में धरना चला हुआ है और पिछले 10-15 दिन से इन गांवों में तोड़ फोड़ चल रही है, चाहे सिकंदरपुर की बात हो या नातूपुर की बात हो या कन्हई गांव की बात हो। जो जमीनें पिछले 50 सालों से लोग जिन जमीन पर बसे हुए हैं उसको आज सरकार उजाड़ने की कोशिश कर रही है। खाली करने का भी ऑर्डर नहीं दिया, सीधा तोड़ने के लिए आई है और आज उसी माध्यम में आज तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर, हम भी वही रेजिमेंट से चल के आए और हमारे तमाम वो लोग जो नगर निगम मानेसर में 1810 एकड़ को लेकर बैठे हुए वो भी आज तमाम सरदारी पहुंची है। मांगों को लेकर तो पंचायत का जो आज ये धरना प्रदर्शन है इसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो आए दिन बिल्डोजर लेके प्रशासन पहुंच जाता है, एक तरफ सरकार हरियाणा सरकार वो बसाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं नगर निगम के अधिकारी लोगों को उजाड़ने का कार्य कर रहे हैं। अगर सच्चाई और ईमानदारी से ये नगर निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं तो बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्डरों ने अवैध तरीके से रोडों का अतिक्रमण कर रखा, कहीं पे नाले की जमीन दबा रखी है, कहीं पे तालाब दबा रखे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। दरअसल गुरुग्राम के नाथूपुर, बसई, सिकंदरपुर और मानेसर के कई गाँव में बीते कई दिनों से नगर निगम तोड़फोड़ अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत गाँव से लेकर शहर तक नगर निगम की टीमें पीला पंजा चला रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में विरोध है। वहीं इस धरने में कांग्रेस के कई नेता भी झंडे का समर्थन करने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और कैप्टन अजय सिंह यादव ने धरने में पहुंचकर सरकार पर निशाना साधा। परेशानी इतनी हो रही है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हमें यहाँ रहना गुड़गांव में भी बहुत भारी काम हो रहा है, नगर निगम हमें रहने नहीं दे रही, तोड़ फोड़ ज्यादा चल रही है, बहुत बुरा हाल कर रहा है सरकार ने। सरकार यहाँ से जावेगी, अब अगर कोई भी कैंडिडेट आवेगा वोट मांगन, हम गांव के अंदर बढ़ने ही नहीं देंगे उसको। आवेगी पूरी फोर्स 2-3 गाड़ी भर के, अब हमें तो चुप भी बैठना पड़े, लग जा जैसी भी तोड़ फोड़ करें, बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ हर गाँव में। आज देखो जो हमारा छत्तीसगढ़ आदि के साथियों सारा गुड़गांव जो कॉरपोरेशन में गांव आते हैं सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? वो लेंटर माफिया से तंग है। लेंटर माफिया कौन है? जो यहाँ अफसरान है, जो जेई है, एसडीओ, एक्सीन है, ऊपर जॉइंट कमिश्नर है, सारा एक प्रशासन पूरा लेंटर माफिया बन के बैठ गया है। और चाहे ओम नगर हो, चाहे शांति नगर हो, शीतला कॉलोनी हो, नाथूपुर हो, चाहे नाहकपुर हो, चाहे अपना गुड़गांव गांव हो, चाहे चक्रपुर हो, कन्हई हो, सलोकरा, वजीराबाद, सारे गाँव में लोग हाहाकार मच रही है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के तहत ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि नगर निगम के दायरे में जो तोड़फोड़ गलत तरीके से की जा रही है उसे अगर नहीं रोका गया तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि जो लाल डोरे के बाहर अधिकांश गांवों में पुराने मकान बने हुए हैं लेकिन नगर निगम उन्हें अवैध घोषित कर रही है, जबकि वो उनके पुश्तैनी मकान हैं। बहरहाल एक तरफ जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।